अरे आप आ गए, बड़े शुभ दिन पर आए हैं। तुम कौन हो? ये हमारा दामाद है। हृदय, अपनी राधा का दूल्हा। बस 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 बेटा, बेटियां पांव नहीं छूती। लता जी, ये त्रिवेदी जी, मोहन के पिता। ये नैनीताल गए हुए थे किसी काम से। नैनीताल? ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने तुम्हें कहीं देखा है? हम मिले क्या कभी? हम नहीं तो हम क्यों मिलेंगे? हाँ देखिए माँ, आप हमारी शादी की खुशी में इतना नाच रही कि आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। अस्थमा पंप कहाँ है आपका? हम ले देते हैं, चलिए। पापा, आप नैनीताल से गुलगुले लाए? अरे मैं नैनीताल जाऊं और मोहन, राहुल और तुम्हारे लिए गुलगुले न लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? ये लो। थैंक यू पापा। मोहन भैया, शेखर भैया, आप भी आइए, गुलगुले खाइए। गुलगुले? अरे चल ना यार, अच्छा हम भी खाएंगे ना। मोहन लो बेटा, गुलगुले तो तुम्हें भी पसंद है ना। जब खुद अपने पिता का दर्द नहीं समझते, वो पिता होने का मतलब क्या समझेंगे? त्रिवेदियों का घर है या कुंभ का मेला? क्यों? कौन साला कहीं से भी आ जाता है पता नहीं चलता। तुम्हें पता था इसके बारे में? नहीं। अगर ये बुड्ढा नैनीताल गया होगा तो इसने मेरे वांटेड वाले पोस्टर वहीं देख लिए होंगे। फंस जाएंगे हम। पिछले कंसाइनमेंट में दो लड़कियां ऑलरेडी बच गई थी, इन्हीं ने मेरा चेहरा बताया होगा पुलिस वाले को। अगर दामिनी को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो मुझे झटपट इस घर से भगा देगी। पक्का वो तुलसी थी? ओ
और कौन मुझे ऐसे अचानक हवा में थप्पड़ मारेगा मम्मा? ऑब्वियसली वो तुलसी ही थी, उसने राधा की उंगली पकड़ रखी थी। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? हाँ, वो राधा को नेल पॉलिश लगाना चाहती होगी। आपका दिमाग कभी काम नहीं करता है क्या? क्या हुआ बिटिया? तुलसी नहीं चाहती कि राधा की सगाई हृदय से हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नहीं चाहती कि मोहन मुझसे शादी करे। हाँ। मैंने तो सोचा था कि तुलसी वाली प्रॉब्लम मैं आराम से सॉल्व करूंगी, लेकिन नहीं, फिर से आ गई मेरे सर पे बैठने के लिए। और वो काली बैठेगी नहीं सर पे, सर पे बैठ के तांडव भी करेगी। अरे बिटिया, अगर उसने ठान लिया है कि राधा की शादी नहीं होने देगी तो वो नहीं होने देगी। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे छुपा के, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये चोट तो छुपाऊं, कहीं आपकी प्यारी कद्दू ने देख लिया ना तो फिर से नया इशू हो जाएगा। वैसे भी आजकल वो बहुत राधा राधा कर रही है, कहीं ये तुलसी का भूत भी उनका फेवरेट ना बन जाए। ओह नो, कहीं तुलसी को हृदय का सच तो नहीं पता चल गया? कहीं तुलसी ने मुझे और हृदय को साथ में तो नहीं देख लिया? इस वजह से ये सब कर रही है क्या वो? अरे तू धीरे बोलना, अगर उसने नहीं भी देखा होगा तो तू ही बोल बोल के उसे बता दे कि ये सब। धीरे बोल, कहीं भी हो सकती है वो झूठा मीरा। ठीक हो? जी। ये कैसा सवाल है? होने वाली दुल्हन अपने सगाई के दिन ठीक क्यों नहीं होगी? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कादंबरी जी ने कहा था ना, सगाई से दूर है ना। अपनी माँ की कसम भूल गए क्या? अपनी माँ की दी हुई कसम याद है मुझे। एक पल के लिए शायद आप भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। और सगाई तो अब हो गई है ना, तब नहीं आया था। हाँ दादी, मोहन जी ने अपनी कसम नहीं तोड़ी है। पागल लड़की है, मुड़ी क्यों नहीं उतारी? चल भाई, मैं निकलता हूं। अरे थैंक्स यार। मैं ही चला जाता। दामिनी, वो जी मां, क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो ना? जी। इतने घबराई हुई क्यों लग रही हो? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? वो कुछ नहीं मां, इतनी गर्मी है ना, इसलिए शायद। अच्छा देखो दामिनी,
कल मेहंदी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और याद से तुमने केटर वाले से बात की? रहने दो, वो मैं कर लूंगी। और हाँ, कल मेहमानों को देने के लिए मिठाई के लिए ऑर्डर दे दिया? हाँ माँ, कल सुबह ही डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, तुम भी बहुत थक गई होंगी, जाओ जाके सो जाओ, आराम कर लो। जी माँ, गुड नाइट। गुड नाइट। ये पढ़ते कहाँ गए? कहीं दुलारी तो लेकर चली नहीं गई? अरे वो चलती फिरती टिकटॉक, टॉक टॉक करके नहीं आ सकती क्या? सॉरी भैया जी, वो मैले चादर कहाँ है? मुझे क्या पता, ले लो जहाँ पर भी है। घर है लेकिन अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता। एक कमरा है जिसमें कोई भी मुंह उठा के आ जाए, ठुक कर आया करो अगली बार। तुम पीछे पीछे कहाँ आ रही हो मेरे? भैया जी, वो चादर धोने के लिए ले जानी है। मुझे नहीं पता चादर का है, होगा क्या? वो क्या है? तुम्हारी मर्जी हो तो लेट जाओ, या जी चादर का ये भी उठा के ले जाओ। अरे मुझसे क्या पूछना कि चादर है? मुझे कैसे पता होता है कि चादर का है? घर का तो मैरिज हॉल बना लिया है, सगाई, मेहंदी, सारे फंक्शंस कर लो, मुझे किसी में मत बुलाना। आना भी नहीं है, मैं क्यों आऊंगा? दुलारी, क्या ये वही पर्दे हैं जो तुमने हॉल से उठाए? हाँ जी जी। गुड, कुछ ढूंढ रही है दामी जी जी? हाँ, वो एक्चुअली मेरी ना एक रिंग नहीं मिल रही, तो वही ढूंढ रही हूँ। जाओ यहाँ से, अगर किसी ने फोटो में हृदय को देख लिया और पहचान ली, सब खत्म हो जाएगा। कौन सी फोटो? तुम चलो मेरे साथ। फिर इस पे क्लिक करो तो हो जाएगा वीडियो कॉल। अरे वाह गुनगुन, आपको तो बहुत कुछ पता है। पर तुम्हें वीडियो कॉल करना क्यों सीखना है? ताकि हम अपनी शादी के बाद अपनी प्यारी गुनगुन को रोज देख सके। शादी होगी तब ना। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कहा। देखो तुम्हारे भगवान जी को कॉल लग गया। अच्छा, तुम बात करो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हेलो गर्ल्स। राधे राधे मोहन जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। अरे गुन, ओए राधा, दिमाग आता, मंगूठी क्यों नहीं निकाली तुमने? मोहन जी, हमने कोशिश तो बहुत की थी पर मौका ही नहीं मिला, और ऊपर से तो ये अंगूठी निकल ही नहीं रही थी हमारी उंगली से। ऐसे तो हमेशा ढीली होती है, और सगाई के समय पता नहीं क्यों नहीं निकली। अच्छा मोहन जी, 10-15 मिनट में भी क्या वजन बढ़ सकता है? नहीं मतलब वो दामिनी जी के। मोहन जी अब देखिए, ये अंगूठी फिर से ढीली हो गई। ऐसे कैसे? अरे मुझसे क्या, अपने बाकी बिहारी जी से पूछो, शायद वही तुम्हें इशारा दे रहे हो ताकि तुम्हारी वो शादी उस चपट गंजू से ना हो। मोहन जी, ओए ओए, जोक था, जोक, मजाक था, वो सीरियस मत लेना उसे। क्या टाइम पास कर रही हो, जाओ सो जाओ, तुम्हारी सगाई, आई मीन मेहंदी है ना कल, जल्दी उठना होगा ना तुम्हें। मेरा क्या है, मुझे तो आना अलाउड नहीं है। गुड नाइट। शुभ रात्रि। हम मोहन जी से बहुत प्यार करते हैं। हम
मोहन जी से बहुत प्यार करते हैं। हम मोहन जी से बहुत प्यार करते हैं। दिमाग आधा मोहन जी थोड़े हुए गुनगुन के लिए। गुनगुन के तो पापा है ना वो। हम अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पापा से अच्छे इस दुनिया में और कोई नहीं है। गुनगुन, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अब आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी। करी थी वहां पर वो हम गुनगुन को कुछ बोल रहे थे मतलब सो रही है। सोने के बाद अगर हम बच्चों के कान में कुछ कहते ना तो वो बात सीधा उनके मन में जाकर अटक जाती है और फिर उठने के बाद वो बिल्कुल वही करते हैं जो कहा गया हो। हमने कह तो दिया कि गुनगुन मोहन जी से बहुत प्यार करती है, पर अब प्यार करवाना तो आपके हाथ में है बाके बिहारी जी। और अब तो जानते ही है ना कि हमारे यहाँ से जाने से पहले गुनगुन और मोहन जी के रिश्ते में जो कड़वाहट है हम इसे दूर करना है, वो भी कैसे भी। और हमारे पास अभी 3 हफ्ते नहीं, बस 2 दिन बचे हैं। अब आप भी कोई चमत्कार कीजिए प्रभु। क्या हो तुम राधा, और किस मिट्टी की बनी हो तुम? कल तुम्हारी मेहंदी और तुम मेरे और गुनगुन के बारे में सोच रही। राधा, तुम्हारा इस घर में रहना बहुत जरूरी है यार। तो कैसे कैसे रोको तुम्हें इस घर से जाने से? आपने वो पेपर देखा? नहीं, मुझे सपना आया था। तुम बेवकूफ हो क्या? ऑफ कोर्स मैंने वो पेपर देखा था। और आपने पढ़ा उस न्यूज़पेपर में क्या था? नहीं, इससे पहले कि मैं उसे पढ़ पाती मम्मा की प्यारी कद्दू आ गई। कादंबरी मम्मा। वैसे वो पेपर में क्या लिखा था? कुछ क्रिमिनल अपराध फरार क्या था वो? नहीं, 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 नहीं। हम कहां कोई बड़ा अपराध कर सकते हैं। नैनीताल में बस एक छोटी मोटी सी चोरी की थी, बस और कुछ नहीं। इन न्यूज वालों को तो काम होता है बड़ा चढ़ा करके आना। बड़े बेईमान लोग होते हैं। अब हम ठहरे छोटे मोटे से चोर जिन्हें आप चलते फिरते डरा देती हैं। हम कहां ही इतना बड़ा अपराध करेंगे? और किसी भी कीमत पर वो पेपर किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। Get it? चलिए मम्मा, समझा दीजिए इसे। इसका प्लान गया बाढ़ में। अगर वो पेपर किसी के हाथ लग गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है दामिनी जी, पेपर अभी तक मिला नहीं। जरूर घर के बाहर चला गया होगा दूसरे कचरे के साथ। जब तक वो पेपर मैं अपने हाथ से ना जला दूं, ये टेंशन की बात है और रहेगी भी। क्या हुआ बिटिया? दादी, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन भी अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा भी लगने लगेगा। बस एक बार तेरे हाथ में मेहंदी लग जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे शादी की उत्सुकता हो रही है।
ये क्या कर रही हो तुम? दुल्हन मेहंदी की रस्म के लिए आ रही है और तुम उसके सामने कचरा फेंक रही हो, क्या तरीका है ये? वो मोहन भैया ने कमरे में झाड़ू लगाने के लिए कहा इसलिए। फटाफट ये कचरा उठाओ और ऊपर का कॉरिडोर साफ करो। जी सॉरी। कल तो किसी तरह से राधा की सगाई रोक ली, पर आज राधा के हाथों पर हृदय के नाम की मेहंदी लगने से कैसे रोकूं?